आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सब्जी के बारे में जो बहुत शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। ये ज़्यादातर शहरों में नहीं होती है, गाँव में होती है। आप देख रहे हो इस पौधे को, इसका नाम है चील। देखो इसके जो पत्ते होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये ज़्यादातर जनवरी फरवरी के महीने में खेतों में गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको खाने से हमारे शरीर में बहुत फायदे होते हैं, जो हमारी पाचन क्रिया जब ख़राब हो जाती है तो इसके लिए ये बहुत लाभदायी है। इसको हम जैसे इसको बनाने का तरीका है कि ये जैसे तोड़ लिया मैंने तो इसके फूल नहीं डालने हैं, लेकिन पत्ते पत्ते आप डाल के सब्जी बनाओ, बहुत बढ़िया सब्जी लगती है। और इसके जो गुण है सिर्फ पाचन क्रिया के लिए नहीं, अपने खून के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए और हमारे जो हार्ट जिसको हार्ट अटैक आता है उसके लिए तो और ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा खेत है लेकिन इसमें अलग अलग तरह की भाजी हमने बोते नहीं है लेकिन अपने आप होती है। जैसे ये भी है एक, इसको शायद अलग अलग भाषा में, जैसे मैं गुजरात का हूँ तो गुजराती में इसको कंजरो बोलते हैं, कंजरो, लेकिन पता नहीं आपकी तरह क्या बोलते हैं इसको। लेकिन अभी जनवरी फरवरी चल रही है तो चील की भाजी बहुत होती है। जैसे हमने ये पालक भी बहुत लगवाया था और इधर अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो आप जब गाँव में जाओ तो इसका सेवन अवश्य करें। ठीक है, जय हिंद। पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी गलती कमी हो सकती है, लेकिन हमारे गांव में इतनी जड़ी बूटी, इतनी अच्छी सब्जियां मिलती है। अगर मेरे वीडियो को लाइक करोगे तो मैं और भी बहुत सारी सब्जियों के गुण आपको बताऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।